मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है शैलिक चक्र। ठीक है, हमने चट्टानों के विषय में पढ़ा, उससे पहले हमने खनिजों की बात की, खनिजों की कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताओं की बात की कि फेल्स पर जो खनिज है लगभग हम बात करें कि 50% जो भोरपट्टी है जो फेल्स पर से बनी है। ठीक है, उसके अलावा हमने विभिन्न खनिजों की बात की, फिर हमने शैलों की बात की, चट्टानों की चर्चा की, चट्टानों के हमने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखे, अलग अलग प्रकार से चट्टानों को विभाजित किया, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, अब आज हम चट्टानों के जो चक्र की हम चर्चा कर रहे हैं, शैली चक्र की हम चर्चा कर रहे हैं, शैल चक्र की हम चर्चा कर रहे हैं। शैल चक्र क्या होता है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो वो चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र क्या होता है, एक सर्कल जिसे हम कहते हैं कि जहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कि जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं और वापस जब उसी पॉइंट पर हम क्या है, जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और वापस हम क्या करते हैं उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है ना, एक चक्र पूरा हो जाता है। क्या पूरा हो जाता है ना, एक चक्र पूरा हो जाता है। तो उसी चक्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी चक्र संबंधित है शैलों से। किससे संबंधित है ना, शैलों से संबंधित है, यानी शैल चक्र की हम बात कर रहे हैं। जब सर्वप्रथम हम बात करते हैं धरातल के अंदर स्थित तरल तत्व मैग्मा, ये धरातल है, धरातल में स्थित तरल तत्व मैग्मा, धरातल में स्थित तरल तत्व मैग्मा। अभी मैग्मा क्या करेगा, ये मैग्मा यहाँ पर विभिन्न उद्गारों से, ये हम कहेंगे कि यहाँ पर है जो दरारें हैं, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान ही मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है। मैग्मा क्या होता है ना, धरातल पर प्रकट होता है, और धरातल पर प्रकट होने के बाद ये क्या कर रहा है, हम कहेंगे कि इसमें कूलिंग हो रही है, ठंडा हो रहा है, ठोस हो रहा है। ठीक है, इसके ठोस होने की प्रक्रिया और ठंडा होने की प्रक्रिया, इनके ठोस होने की प्रक्रिया और ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे क्या बनती है, विभिन्न प्रकार से शैलें बनती है, और इस प्रकार बनी शैलों को क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार बनी शैलों को आग्नेय शैल कहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि मैग्मा जब धरातल से बाहर आता है, मैग्मा जब धरातल से बाहर आता है, ये मैग्मा धरातल से बाहर आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठोस हो रहा है या ठंडा हो रहा है। लावा के रूप में जब बाहर आता है क्या कहते हैं कि लावा, जब ये ठोस होता है, ठंडा होता है, तो यहाँ पे चट्टान बनती है। प्रकार बनी शैल को क्या कहते हैं, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल से मतलब हम एक प्राथमिक शैल कहते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार से क्या होता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अब आगे चर्चा करें, आग्नेय शैल का निर्माण होने के पश्चात हम आगे की बात करते हैं। फिर देखो आगे क्या प्रोसेस होता है कि जो विभिन्न चट्टानें हैं, विभिन्न चट्टानों का क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आग्नेय शैलें बन जाती है, इन शैलों में क्या प्रक्रिया होगी, यहाँ पे जो अपरदनकारी कारक है जिसकी हम बात करते हैं, जल की, वायु की, ठीक है, हिम की, इस प्रकार से हम अपरदनकारी कारकों की बात करते हैं। ये कारक अपरदनकारी कारक हिम, ठीक है, बर्फ, जल, पानी, वायु, ये अपरदनकारी कारक क्या करते हैं, चट्टानों को काटते हैं। चट्टानों क्या करते हैं, ये चट्टानें क्या करती है, अपने स्थान पर टूटती है। पहले तो क्या प्रक्रिया होगी, अपक्षय, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, ये चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें अपने स्थान पर टूटती है, इसे क्या कहते हैं, अपक्षय होता है। फिर कौन सी प्रक्रिया होती है, अपरदन की प्रक्रिया। अपरदन से मतलब इरोजन, अपरदन, जब ये अपरदनकारी कारक हिम हो या जल हो या वायु, ये क्या करते हैं, इन कणों को यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसका कटाव हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। क्या करेंगे, जब चट्टानों का क्या हो रहा है, यहाँ से कटाव हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं, जब इसका कटाव हो जाता है तो विभिन्न प्रकार से ये जो चट्टान के कण, विभिन्न प्रकार से जो चट्टान के कण है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसके लिए वो क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवहन। जब ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब जब परिवहन हुए, ये विभिन्न प्रकार के जो कण हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान पर आकर जमा हो जाते हैं, और जब जमा होने वाले जो कण हैं इन्हें क्या कहा जाता है, निक्षेपण। क्या कहा जाता है, इन्हें निक्षेपण कहा जाता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना। अब चट्टान जब अपने स्थान पर टूट जाती है, ठीक है, इसे अपरदन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, ये अपरदनकारी कारक, यानी कि हिम अपने साथ सरका कर ले जाती है, जल अपने साथ बहाकर, वायु अपने साथ उड़ाकर, जब ये क्या होती है, कटाव की प्रक्रिया होती है, तो ये कण क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और जहां पर जाकर ये कण जमा हो जाते हैं, ठीक है, जहां पे जाकर जमा हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और इस प्रकार जब ये परत दर परत जमा होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार जब क्या होते हैं, परत दर परत जमा होते हैं, यहाँ पे परत दर परत जमा हो रहे हैं, इस प्रकार बनी शैलों को अवसादी शैल या परतदार शैलें कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री शैल। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री शैल। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है, ये अवसादी शैलों का जब निर्माण हो जाता है, तो अवसादी शैलों में विभिन्न प्रकार से जब गति के रूपांतरण होता है या उसमें रूपांतरण होता है, ताप दाब, ताप और दाब के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, शैलों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है ना,
शैलों के चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, और जब मूल स्वरूप में परिवर्तन होता है तो अवसादी शैलें कायांतरित शैलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब शैलों के क्या होता है, मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है, ये शैलें अन्य प्रकार की शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जब शैलों का जो मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार जो स्वरूप परिवर्तन होने पर जो शैल बनती है, कौन सी शैल बनती है, कायांतरित शैलें बनती है। कौन सी शैलें बनती है, कायांतरित शैलें बनती है। इस प्रकार से हमने देखा आग्नेयशील औषादी शैल, देखो दोनों प्रकार के शैलों की हम बात करेंगे, या औषादी शैल हो या आग्नेयशील हो, देखो आग्नेयशील में या औषादी शैल में, देखो दोनों प्रकार के शैलों का क्या हो सकता है, कायांतर या कायांतरित शैल हो, आग्नेयशील हो या कायांतरित शैल हो या औषादी शैल हो, ये तीनों प्रकार की शैलों का स्वरूप परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, नई शैल बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल कहते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो ताप दाब से संबंधित जो क्या है कई कारक होते हैं, जो क्या करते हैं शैलों में बदलाव ला देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वाली शैलों को क्या कहते हैं, कायांतरित शैलें कहते हैं। फिर क्या हो रहा है, विभिन्न विवर्तनिक घटनाओं से जो आंतरिक हलचलें होती है, पुनः ये चट्टाने क्या होती है, पिघलकर मेंटल में चली जाती है। अलग अलग प्रकार से जब धरातल की उठा पटक होती है तो ये चट्टाने पिघलकर मेंटल की ओर चली जाती हैं, और जब मेंटल में मेंटल में पिघलती है तो किस रूप में बन जाती है, मैग्मा के रूप में बन जाती है, और फिर वापस से क्या होता है, मैग्मा दरारों से निकल कर बाहर आता है, फिर वापस से क्या हो रहा है, ये आग्नेयशील बनती है, फिर अपक्षय अपरदन परिमाण निक्षेपण होता है, फिर औषादी शैल बनती है, फिर क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार से जब ये गति या उसमें रूपांतर हो रहे हैं तो औषादी शैल कायांत्र शैलों में या आग्नेयशील डायरेक्ट क्या हो जाती है, कायांत्र शैलों में, फिर वापस से उठा पटक जो होती है, उथल पुथल होती है, विवर्तनिक क्रियाएं होती है, इनसे क्या हो रहा है, इन विवर्तनिक क्रियाओं से वापस ये जो हम बात करेंगे चट्टाने हैं पिघल कर क्या हो रहा है, मैग्मा का स्वरूप ले रहती है। इस प्रकार क्या हमने पढ़ा है, शैली चक्र, यानी मैग्मा जहां से निकला था, अग्नेयशील जहां पे बनी थी, वापस क्या हो जाता है, विभिन्न प्रोसेस के तहत ये वापस मैग्मा बन जाता है, अग्नेयशील का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार ये क्या होता है, एक संपूर्ण शैली चक्र निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है, संपूर्ण हम शैली चक्र की बात करते हैं। इस प्रकार अध्याय 5 खनिज और शैल की हमने चर्चा की, खनिजों के विषय में हमने पढ़ा, खनिजों की हमने विभिन्न विशेषताओं की बात की, शैलों के विषय में हमने पढ़ा, ठीक है, और शैल की जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ा, और हमने अब शैल चक्र के विषय में पढ़ लिया है।